बैलेंस बैलेंस तीनों को बैलेंस। ओ मम्मी फिर पूछे ये वही ना बात ये वही ना बात घूमते घूमते समय को अभी रेडी हो गए बस निकलना है चेकआउट करना है और ऑटो वाले भैया पहले आने से हम लोग सोच रहे कि नाश्ता कर लेते हैं सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया नहीं तो वो आ गए तो फिर ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा चेकआउट कर रहे हैं पेमेंट फोन पे कर दीजिए आपके यहाँ पे डिनर वगैरह सब अवेलेबल है ना नहीं सर वो ओनली ब्रेकफास्ट देते हैं अच्छा बाहर से लाके वो जो ठीक है फिर आएंगे नेक्स्ट टाइम बाय बाय थैंक यू तो ये वो होम स्टे है अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे बाहर देखेंगे होटल वगैरह है कि नहीं हाँ तो उनसे होटल में बात किए थे हमने कहा गया कि ब्रेकफास्ट मिल जाएगा लेकिन आपको डिनर वगैरह लंच वो बाहर से लाएंगे बाहर होटल से लाएंगे और आप यहाँ से आप पे कर सकते हो और ब्रेकफास्ट आपको होटल से मिल जाएगा है ना ब्रेकफास्ट है ब्रेकफास्ट दोसी पूरी इडली दोसी पूरी इडली कौन सा खाओगे डोसा खाते हैं डोसा कितना 15 ओके 2 प्लेट ये डोसा साथ में पकौड़े साथ में चटनी और सब्जी 15 रुपए के हिसाब से एकदम परफेक्ट है क्या मिलता है पर हमें तो डोसा मिल गया साथ में सब्जी भी मिल गया टेस्ट करके देखें कैसा है जैसे मेरा वाला प्लेट आ रहा है अभी सो मेरा प्लेट आ गया अब हम करेंगे स्टार्ट ये होटल ज़रूर ट्राई करें ठीक होम स्टे के ऑपोजिट पे ही है मेन रोड के ऑपोजिट पे ही है हम ऑटो वाले भैया का वेट कर रहे हैं उनको फ़ोन किया तो कहा कि 10 मिनट में आने वाले हैं गुड मॉर्निंग भैया सर ब्रेकफास्ट हाँ ब्रेकफास्ट यही से किया आपने क्या नहीं सर यहाँ से कर लो हम लोग वेट करेगा ठीक है चारों ओर बस बड़े बड़े पत्थर से हैं आप देख सकते हो तो नाप बड़ा बड़ा पत्थर है तो कहा जाता है जब फ्लड होता है पानी यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से आपको पूरा ये जगह दिख जाएगा देख सकते हो सर ये देखो ये कोदंडा रामा टेम्पल है कोदंडा रामा टेम्पल है हनुमान टेम्पल है ये दो टेम्पल दर्शन कर आ जाओ सर बाद में जाएगा ओके बोट रेट का कितना सर जो आप लोग आप नौ राइड जाए तो उसमें दो मंदिर से बोट से बताएंगे ओके लक्ष्मी टेम्पल बोलकर और एक छोटा वाला पत्थर के नीचे क्यों में बोट जाएगा बताकर लेकर आएंगे सर हां और एक घंटा वाला जाए तो उसमें कोटिलिंगा बोलकर 1800 शिवलिंग बड़ा विष्णु का कारण लक्ष्मी का मंदिर है जो उतार कर बताकर बाद में छोटा वाला पत्थर
1 hour 800 पर पर्सन। इसमें डिस्काउंट नहीं है? बिल्कुल बार्गेन है सर, अच्छा बैठा। 800 1600 1500 में कर दो। बिल्कुल बार्गेन नहीं है सर। 100 भी नहीं? रेट तो फिक्स है सर, 10 मिनट्स वेट करो। ठीक है। सो गाइस, पहली बार है जो मैं बार्गेन पे फेल हो गया। वो कहते हैं ना, ज्यादा बचाने जाओगे तो बाद में लूट ही जाओगे। लूटने वाली हो नहीं, हम क्या करेंगे, क्रैकल राइड ही इंजॉय करना है ना, तो हाफ एन आवर का राइड ले लेंगे। चप्पल और जूता वगैरह यहाँ उतारना है, मंदिर आए हैं। सो प्लान में कुछ चेंज है, जैसे कि यहाँ पे राइट पे वो लोग 1600 चार्ज कर रहे हैं, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई बार्गेन नहीं। तो भैया जी से बात हुआ, उन्होंने एक आइडिया बताया कि इससे अच्छा वो प्राइस हमें पे ऑटो पे कर दो नॉर्थ। ओके, तो पूरा नॉर्थ का जगह दिखा देंगे 1500 पे। बस 14, मैंने तो उनको 1400 बोला, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब सर्विस देके फिर बाद में डिसाइड करो। तो तभी जाएंगे नॉर्थ के साइड, वहाँ भी कोराइकल राइड है। उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट, हमें तो बस वीडियो शूट करना है और बस एक्सपीरियंस करना है वही। तो उन्होंने कहा यार एक घंटा लेने की जगह आप वहाँ पे, मैं 10-15 मिनट में आप राइड कर लो। और हमें आज पूरा दिन बिताना है, आपको तो पता ही है शाम को ट्रेन है। सो कल क्या हुआ, कल जो मेरी वाइफ जो लेक पे वो चरा रहे थे, मछली को खिला रहे थे, उसी दौरान उनका चश्मा गिर गया। और अभी देख रहे हैं कि जाते जाते एक चश्मा ले लें। ये ना, ये ठीक नहीं, ये ठीक था लेकिन दूसरे कलर पे होता तो अच्छा होता। वैसे तो ये सनग्लास लेना इतना ज़रूरी नहीं समझी मैं, फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे टेम्पररी ले लो, तो इन्होंने दाम बताया 150। मैंने बोला 150 लेने से 100 अगर देता है तो ले लो, नहीं तो इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो बार्गेन पे आप मेरे साथ कंपटीशन करेंगे? तो क्या इतना तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़, तो 100 लगाइए लगाइए। मेरे सब्सक्राइबर को दिखाना है कैसे लगते हैं आप। तो कैसे लग रही हूँ मैं? इस साइड आइए, नहीं दिख रहा है इस साइड। हाँ एकदम बढ़िया, 5 स्टार। थैंक यू। सो ये जगह वो साइड साउथ और ये साइड नॉर्थ। ओके देख लो, अब ये पूरा नदी है, यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है ना, एकदम अमेजिंग व्यू है। ये देखो बरतते बट पैंट लास्ट में। ओके पकड़ रहे हो ना, लास्ट में बैठा बैठा।
मैडम नो प्रॉब्लम मैडम डोंट वरी फर्स्ट टाइम है ना ठीक है ले जाएगा जस्ट राइट स्टार्ट करने वाले हैं लो स्टार्ट हो गया चक्कर आ रहा है हाँ टोपी लगाओगे टोपी लगा दीजिए तो ये चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे हाफ एन आवर का कुछ 500 जैसा पर पर्सन और वन आवर का कितना था भैया वन आवर का 800 रुपीज़ पर पर्सन 800 तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा ये जैकेट मेरा हिसाब से बड़ा हो गया जैकेट हिसाब से बड़ा हो गया अच्छा भैया लोग कहते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल भी होते हैं हाँ सर अभी तो नहीं है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप होता है ना बीच पे होते हो तो समुद्र के सामने होते ना कुछ इस तरह वाइब मिल रहा है हवा के साथ साथ आपको मतलब ठंडी महसूस हो रहा है धूप तो है लेकिन उतना लग नहीं रहा है हाँ क्या सुकून ऐसा है कि क्या बताऊँ मतलब आपको बस रुकने का मन करेगा बस ऐसा लगता है कि ना और थोड़ा देर रुकूँ और थोड़ा देर रुकूँ लेकिन आप जितना रुकोगे उतना आपका बढ़ते जाएगा अमाउंट बढ़ते जाएगा पानी को नीरू बोलते हैं ना भैया कनाडा में नीरू बोलते नीरू बोलते हैं ना देखो क्या करते तो बोल मेरा सामा के पता है वो जे छे अमेरिका में बॉय अमेरिका बॉय पाछे और मैं सोई देखे अम्मा के लिए बसे दिए छे देखो तो बिंदु हाय बोले तो केवल हाय बोले तो हाय थैंक यू मस्त है थैंक यू अच्छा लगा जैसा अच्छा अच्छा आप खींचोगे आप मैं खींचो आपका कुछ नहीं नो प्रॉब्लम सर बहुत है मेरा फोटो कैमरा में तो देखा आपने मैं फ़ोटो आपसे शेयर करूंगा वीडियो पे जितना भी फोटोज अभी आपको दिखेंगे वो भैया ने शूट किया आप यहाँ आओगे तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें आपको पूरा हेल्प करेंगे एक फ्रेंडली हेल्प जैसा लगेगा आपको अभी चलते हैं बैलेंस बैलेंस तीनों को बैलेंस रखना होगा हाँ थोड़े आ जाओ ओके और एक हाँ वही सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस चीज़ को बैलेंस करना ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है अगर बैलेंस नहीं रहा तो ठीक से वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अप डाउन होते रहेगा और गिरने का भी चांसेस बहुत है अगर कोई डिप्रेशन पे जा रहा है उनके लिए नेचुरल इलाज है यहाँ पे आ जाओ बहुत अच्छा फील करोगे तो कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कपले बोलोगे तभी ना कि कभी कोई अगर पूछे ये हुई ना बात ये हुई ना बात जो एक जो मेला में जो रोलर कोस्टर होता है ना कुछ जो चरकी चरकी वाला वैसे टाइप का वाइब मिल रहा है
ये थोड़ा नेचुरल हो गया, वो वाला मशीन से करता है। ये भैया के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। हाँ, एक और टैलेंट आपने तो देख लिया, वो भैया फोटोग्राफर भी हैं और वेडिंग के टाइम शूट करते हैं, और अगर आप हम्पी से बिलोंग करते हो तो उनसे आप स्ट्रेट कांटेक्ट कर सकते हो, उनका फोटोग्राफी में ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। वेडिंग हो गया और ड्राइविंग हो गया, यहाँ से लेकर गाइड हो गया, सब कुछ वो कर लेते हैं, ऑल इन वन है भैया यहाँ का। तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें। डिस्काउंट उसकाउंट का रिक्स हम नहीं ले सकते, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई प्रोमो कोड नहीं है। आप आके भैया से बात करें, प्राइस वाइस के बारे में सब भैया से डिस्कस करें और फिर जर्नी में जाए। मैं बताता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ, एकदम जो आपका ट्रैवल है वो वर्थ इट होगा, इन्जॉय करोगे, भैया भी साथ रहेंगे, एकदम सेफ रहेगा, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। लकीली आज का जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। कल संडे का टाइम पे इतना वेदर, मतलब धूप बहुत था कि चलने फिरने में मतलब बहुत दिक्कतें हो रही थी। वही सच बोले तो 11:37 को कुछ वो चले थे। अभी आपको टाइम दिखाऊं तो एक घंटे हो गए पूरे, 12:30 बजने वाले। उनसे बात किया था हाफ एन आवर का, तो ये भैया बोल रहे हैं कि मैनेज कर लेंगे, देखते हैं, सब उन पे डिपेंड है भैया। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अच्छा लगे कमेंट करिए, कुछ पूछना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो एक बिहाइंड द सीन की बात करता हूँ। हाँ, जो जब भी कोई शूट करने जाता हूँ तो मेरी वाइफ जब मना करती है तो मैं बोलता हूँ कि आपके सब्सक्राइबर के खातिर तो चलिए, तो सुनते ही वो आ जाते हैं, चाहे कोई भी खतरनाक कुछ भी हो, जगह हो, वो तुरंत आ जाते हैं। तो ये आप सब सब्सक्राइबर के कारण हो रहा है, तो ज़रूर इसे शेयर करें, सपोर्ट करें, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें और मोटिवेट फील होगा। यार असली राइड तो ये है। चलिए थैंक यू मैम। सो देख सकते हो, दिस एरिया बिलोंग्स टू क्रोकोडाइल इनहैबिटेड एरिया, बिलो एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड।